मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, नई शिक्षा नीति प्रणाली के अंतर्गत आप लोगों की पढ़ाई नैमिष सेंचुरी स्कूल के माध्यम से कराई जा रही है, जिसमें आज आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 के सवाल समझाए जाएंगे। प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहले का पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडररूट m के रूट का होता है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडररूट m के रूप का होता है। ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडररूट m के रूप का नहीं हो सकता,
क्योंकि संख्या एक का मान अंडर रूट यम का मान कभी भी नहीं हो सकता है। तीसरा नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में हमारी चाहे परिमेय संख्या हो जैसे 2/5, 3/5, 7/8, ये हमारी परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत संग्रह में दी जाती है, इकट्ठा की जाती है। इसलिए संख्या रेखा का वो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि तो वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपका प्रश्न है इसमें सत्य और असत्य बताना है, कारण भी अपने उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। उत्तर है सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के साथ साथ में हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों इकट्ठा की जाती है, इसलिए हमारा कथन सत्य होगा कि वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, ये असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर अंडर रूट का मान कभी भी नहीं हो सकता। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, जिस किसी का होता पहले नंबर का होता ये हमारा सत्य होगा, क्योंकि यदि वास्तविक संख्या यदि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो वास्तविक संख्या भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ये हमारा कथन सत्य होगा क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें कुछ सवालों को पढ़ने के पहले कुछ परिभाषाएं भी जानना जरूरी है। इसमें अगला प्रश्न है, कल आप उनको अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है। इससे पहले प्रश्न मैं एक दशम रूप दूंगी, प्रश्न नंबर दूसरा, क्या सभी क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। उदाहरण दीजिए जो भी एक परिमेय संख्या है। हल करेंगे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इतने का उत्तर हुआ नहीं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय दोनों होते हैं। नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसमें उदाहरण जैसे मान लेते हैं अंडर रूट चार बराबर चार का वर्गमूल निकालेंगे दो आएगा, दूरी चार दो ही करने दो, ये हमारा चार का वर्गमूल दो होगा एक पर जो कि एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, दिखाइए संख्या रेखा पर अंडरकुल पांच को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर अंडर रूट पांच का निरूपण होगा एक दो होगा
लिए पांच होगा, एक हुआ बी हुआ तीन, ये हमारा प्लस का मान होगा बाएं साइड में माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, हमारा अंडर रूट पांच अतः वो भी बराबर अंडर रूट पांच संख्या रेखा पर अंडर रूट पांच आदेश है, अंडर रूट पांच आदेश निरूपण है। दर्शाना है कि दिखाना है कि अगर पांच को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसमें एक सरल रेखा खींच लेते हैं जिसका मध्य बिंदु दो हो जाएगा, मध्य बिंदु के बाएं पक्ष में ज्ञापक मान होता है और दाएं पक्ष में ज्ञापक मान होता है, जिसमें मान नब्बे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, उसी प्रकार से दाएं पक्ष में एक दो तीन ये धनात्मक होंगे। अगर हम पांच को निरूपित करना है इस चित्र के माध्यम से, ये समझा जा सकता है कि अंडर रूट पांच संख्या रेखा पर अंडर रूट पांच एक अभीष्ट निरूपण है।